इन जवानों में हम उस समर्पण उस त्याग की बात कर रहे हैं जो एक बेटी ने किया जो एक पत्नी ने किया जो वहां बैठी एक पत्नी ने किया जो एक माँ ने किया लेकिन नेहा एक एक डॉटर के तौर पर एक बेटी के तौर पर उतना समय जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने पिता से वो शायद आपको नहीं मिल पाता रहा होगा थ्रू आउट द आपने पूरा बचपन वैसे ही जिया होगा अब जब आपके पिता नहीं है वो भी आप कमी महसूस करती होंगी तो वो बचपन का दौर फिर वो लेखनी में भी क्या आया वो एक जो मन में दबा रहा वो भी आपने लिखा है लिखने के माध्यम से दुनिया को बताया कि एक बच्चा जिसका पिता सरहद पर दुनिया वालों की रखवाली कर रहा है उसका बच्चा घर में बैठे रात में सोते समय क्या सोचता है अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विथ दैट लेकिन uh, आपने सही बोला uh, हमारे में से जितने भी यहाँ पे अगर आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे होंगे तो अधिकतर समय हम uh, अपने फादर के बिना निकालते हैं लेकिन आई थिंक uh, हम लोग थोड़े से लकी थे uh, मैं 12 साल की थी दीक्षा 8 साल की थी जब uh, हमारे uh, पिताजी की शहादत हुई uh, लेकिन तब तक हम ज़्यादा दिन उनसे अलग रहे नहीं थे आई uh, थिंक uh, दस साल की उम्र तक तो मैंने उनको काफ़ी रेगुलरली देखा था हमारे साम उनके साथ ही रहते थे um, और उसके बाद भी स्पेशली uh, एक एक आई थिंक एक धारणा है कि आर्मी ऑफिसर्स ना बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं इन्वॉल्व नहीं होते हैं दे आर नॉट फैमिली मैन आप उनको मूवीज़ वगैरह में भी देखो तो उनका पोट्रेल हमेशा ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे को छः बजे उठा देते हैं और आठ बजे सुला देते हैं लेकिन हमारे फादर बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे बहुत ही इंटेलिजेंट थे पढ़ाई लिखाई का बहुत ध्यान देते थे हर चीज़ बहुत ध्यान से करते थे तो um, जब वो अगर सरहद पे भी गए तो उस टाइम के लिए भी हमारे लिए, भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था सोचना एटलीस्ट मेरे लिए मैं तो बहुत ओवर डिपेंडेंट बच्चा थी दीक्षा थोड़ी और छोटी थी और मेरी मदर भी बच्चा ही थी उनकी तो बहुत अजीब लगता था उस टाइम पे कि उनके बगैर हम लोग कैसे रहेंगे आ, कभी किसी और की न्यूज़ आती थी उस टाइम हमारे बहुत दोस्त थे जिनके फादर्स सरहद पे थे एंड अनफॉर्चुनेटली समय भी ऐसा था कि उनकी शहादत की न्यूज़ आती थी तो डर भी लगता था सोच के कि अगर हम उनमें से एक निकलेंगे तो क्या होगा एंड देन देर कम्स अ डे वैन योर वर्स्ट नाइट मै कम्स ट्रू तो हाँ लगता जब वो समय आता है आपके सामने तो नहीं समझ में आता कि आप क्या करो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से पता नहीं कहाँ कहीं से आपको एक स्ट्रेंथ भी आती है जब आप लोगों का देखते हो कि लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं लोग उस इवेंट को कैसे देख रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी शहादत के समय जब हमने देखा कि किस तरीके से पूरी कंट्री साथ में आई आ, कितना हम लोगों को सपोर्ट मिला आ, तो बहुत गर्व होता था बहुत गर्व होता था लेकिन ऑब्वियसली एक मन में लॉस की भी फीलिंग हमेशा रही क्योंकि काफ़ी देर हम लोग सबके नारे लगा के अपने घर चले जाते हैं लेकिन जिन लोगों के घर से आदमी गया है वो अपने घर वापस जाते हैं तो टाइम लगा आई थिंक एंड जैसे स्वप्निल ने भी बोला कि फ़ौज एक्चुअली एक बड़ी फैमिली के जैसी है और उस फैमिली का आ, का जो वार्म है वो हमें मेरे को लगता है शहादत के बाद ही समझ में आई तो मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि ऐसा नहीं है कि लोग आर्मी वालों के बारे में सुनना नहीं चाहते या पढ़ना एक हमारी ये भी धारणा है कि लोग रेस्पेक्ट नहीं करते ऐसा नहीं है इनफैक्ट इंडिया में Uh, मुझे लगता है कि लोग बहुत रिस्पेक्ट बहुत इज्जत करते हैं लेकिन जब हम उनको कुछ देंगे ही नहीं इज़्ज़त करने के लिए तो वो कैसे करेंगे हम अपनी जैसे दीक्षा ने बोले हमें कहानियाँ अपनी बतानी ही हैं अगर हम अपनी कहानी खुद नहीं बताएंगे तो उनको पता कैसे चलेगा तो आई uh, थिंक ये सारी चीज़ों को ये सारा चेंज वेव टाइप का चेंज था तो ये जब देख रही थी तो लगता था कि हाँ मतलब इन इसका मतलब बनता है अगर अपनी कहानी अपने आप से बताओ तो सामने वाले को प्रेरणा भी मिलती है Uh, और मुझे ये लगा कि ये ज़रूरी है आज की डेट में इट्स द नीड ऑफ़ द आर कि हमारे को uh, अपनी कहानियाँ किस ढंग से हम बताते हैं कैसे प्रेजेंट करते हैं और कितना ज़्यादा बताते हैं किताबें एक माध्यम है लेकिन हम यूज़ुअली भी लिखते रहते हैं जो आपने बोला मैंने काफ़ी बार uh, सोशल मीडिया पे भी लिखा है कि uh, मुझे कैसा फ़ील हो रहा है कि आज मेरे साथ ये हुआ तो मुझे बहुत कमी खली कि आज मेरे फादर नहीं है मेरे साथ में तो जितना ही हम इसके बारे में बात करते हैं उतनी कहानी वो अपनी बनती है और जितनी कहानी अपनी बनेगी उतने ही लोग उस हिसाब से उसको देखना शुरू करेंगे तो अम, मेरी किताब एक उठा के दिखा रही है यहाँ पे तो ये दिस इज द सपोर्ट दैट वी गेट ये हमें आ, हमें नहीं लगता कि हम इमेजिन नहीं कर अच्छा, पाते जब तक ये, ये होता ये नहीं है ये जो किताब दिखा रहे दिखाई दिखा जरा एक बार ये मेरी सेकंड बुक है द लोन वुल्फ The untold story of the rescue of ये लेकिन क्या होता है ना ये लेखक है लेकिन अलग क्या है की इनकी लेखनी में कहानियां नहीं है कई बार बहुत सच्चाई होती है और वो सच्चाई जब दिल तक पहुँचती और ऐसे लोगों के बीच में पहुंचती है तो वो खुशी शायद मैंने नहीं लिखी लेकिन वो मैं अंदर से महसूस कर पा रही हूँ बहुत खुशी मिलती है बहुत खुशी मिलती है यूथ ऑफ दिसबल दे बहुत इस, इस बुक के बारे में चंद लाइन उसके बाद में स्वप्न लाभ से रिएक्शंस ली तो ये मेरी दूसरी किताब है आ, एक और मेरा मानना है मुझसे बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप अपने फादर के बारे में ही क्यों नहीं लिखते है? आपने अपने फर्म क्योंकि मैंने दो किताबें लिखी हैं एट कारगिल एंड द लोन वुल्फ तो बड़ ये हा, हा, जूली नाम है इनका ये बोल रही हाँ मैंने भी आपसे पूछा है तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि आप क्यों नहीं लिखते तो जो हम बोल नहीं रहे कि कहानियाँ कितनी हैं बहुत कहानियाँ और दीक्षा ने लिखा है हमारे फादर के बारे में हम सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं बट ऐसी बहुत कहानियाँ जो हर आदमी नहीं लिख पाता तो अगर हम भी उनको नहीं जाके सुनेंगे और लिखेंगे तो फिर कौन करेगा तो आई फील दैट एवरी स्टोरी इज़ वर्थ टेलिंग एंड जो भी स्टोरी आ, अगर सो फार सोफारस जिसका जिसकी खुद का परिवार बताना चाहेगा वो कहानी तो मैं वो लिखने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हूँ सो दिस माई my बुक book लोन वुल्फ इट it तो नाइनटीन सेवेंटी वन में बांग्लादेश लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश जब वॉर हुआ था तो uh, आप लोगों को अगर पता होगा तो शेख मुजिबर रहमान थे उस टाइम उनके uh, डेजिगनेट प्राइम मिनिस्टर तो उनकी जो फैमिली थी उनको हॉस्टेज रखा गया था पाकि वेस्ट पाकिस्तानी ट्रूप्स ने और पूरे ड्यूरेशन तक वो हॉस्टेज थे मतलब उनको uh, कैदी बना के रखा हुआ था उन्हीं के घर में तो उस फैमिली को जब वॉर ख़त्म हुई जिस दिन साइन हुआ उस दिन पता चला कि वो फैमिली अभी तक कैदी बनी हुई है और उनको निकालना ज़रूरी है उनको निकालने के लिए एक इंडियन गार्ड्स ऑफिसर अकेले गए बिना अपने हथियारों को लिए बिना किसी और को लिए और उस घर में जिसमें 10 से 12 लोग थे जिन्होंने बंदी बना के रखा था उनके साथ कैसे उनको साइकोलॉजिकली ओवर uh, पावर किया और कैसे उनका रेस्क्यू किया ये उन गार्ड्स ऑफिसर की कहानी और उस रेस्क्यू की कहानी है तो ज़रूर पढ़िएगा